शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर का रविवार को प्रदेश के वन एवं जलवायु मंत्री दारा सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्राणी उद्यान केंद्र के जानवरों के बाड़े का स्थलीय निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि प्राणी उद्यान केंद्र में जो कार्य शेष रह गए हैं उन कार्यों को जल्द ही पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्राणी उद्यान केंद्र प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर बनने जा रहा है और इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसको देखने के लिए पूर्वांचल तथा अन्य प्रदेशों से लोग आएंगे और आने वाले दर्शकों के सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर इको टूरिज्म का हब बनेगा। वन मंत्री ने कहा कि जल्द ही चिड़ियाघर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से उद्घाटन कराकर इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, क्या है अभी तो आप आगे अगर सोचेंगे तो उसको देख करके इधर नहीं खोलना, मेरा ये है तोड़ फोड़ो उसके बाद सर, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा किया तो उन्होंने कहा नहीं तो अच्छा है। मैंने उनको बताया था कि हम वहाँ पे जो दिल्ली में एक एडी ऑफिस का है ना, वहाँ पर जमीन छोड़ी जाती है, पूरा नीचे बनता है अंडरग्राउंड चैनल, वाटर वाटर प्रूफ चाहिए सर, वाटर का पानी ऊपर उठे गिराते हो फिर ऊपर कांच ऊपर ग्लास होता है। अभी अगर बनाना चले नहीं, अभी नहीं, इसके बाद ये भी एक प्लेस है, वो भी चल के देख लेते कहाँ क्या है। दो डायरा वहाँ सर, किधर से चलना है सर? इधर ऑफिस कमरे में आप बैठे थे, आप जितना तेज आप लोग चलेंगे उतना ही तेज हम लोग भी चलेंगे। ये बैठने की जगह है, आधे एरिया को कवर करने के लिए सी लेडी ने कहा था भारत सरकार की, तो पीछे आप देखिए यहाँ पानी की मोचार आ रही है, पानी ऊपर ऊपर लगा हुआ, ये मॉइस्चर क्रिएट होना चाहिए चिड़िया। अभी फिर चिड़ियों का है सीरीज ऑफ चिड़िया में वॉकिंग आगे वॉकिंग तो होता है जिसके अंदर जो चिड़िया दिखती है। अब आप भी समझ रहे हो जाएगा के बीच से जाना है। सब ये वॉकिंग मेरी है, इसमें देखिए सब एक नई चीज मिलेगी पूरे इंडिया ने कहा, हम लोगों ने लगाओ, ये इसलिए होता है कि वो बैठे तो उसका पैर बैठना जले, ठंडी ना लगे, ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे, इसको थोड़ा गर्मी की सीजन में थोड़ा स्प्रे करके पानी का थोड़ा सा छा देकर उसको ठंडा मतलब रखा जाए उस समय। ये सर बना तो है चारों तरफ के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर ये नई चीज़ सब और दिखी, एक दरवाजा वो दिखा आपको डबल एक इधर दिखाया इसलिए है कि कई बार ये चिड़िया लौटते हैं यहाँ तो ओपन से क्या दूर है, इसलिए जो रात जो है इसके बीच से वो मुझे लगता है कि उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा कि बैठते ही लोग यहाँ से लेके चैन नीचे वो चैन के दो तीन करके समझे तीन ले जाए यहाँ से लेके वहाँ तक इसकी खूबसूरती लोग इन्जॉय करें, फोटोग्राफी भी करेंगे, सेल्फी भी लेंगे, सबके लिए काम है। दिखने वाला तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, ये वाला जो है ये तो बड़ी चिड़िया भी इसमें से पानी से निकल के उसमें जा सकती है, लेकिन छोटी बर्ड का बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसका पानी वाला है, इसका पर्पज ये होता है ऊपर रहे। अरे एक मिनट, इसका पर्पज होता है
फिर आइडिया था ये हुआ कि और नज़दीक कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर इसलिए। दोनों चाहिए सर, 1,00,000 की उसकी जरूरी जरूरी लेके आएंगे, एक सब कहीं रुक जाएगी तब ना आएगी। ओके ये आ गया लंग मोड का पास, इसमें मोड नहीं है, इसमें खाई इसके ऊपर तो वही वो आगे ये वायर है इसका डेमो में लड़के आए हैं। ये जो 3 मीटर का ट्रैक है और सर्विस रोड इसे हमारा तेजुआ निरीक्षण के दौरान जो है जो मैंने देखा है काफी संतोषजनक है। छोटी मोटी चीजें जो बाकी रह गई है वो जल्दी पूरा हो जाएगी और जिस तरीके से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल का जो सबसे खूबसूरत चिड़िया, ये तो प्रदेश का खूबसूरत चिड़ियाघर बनने जा रहा है, मुझे लगता है वह इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और जल्दी ही वो पूरा होने वाला है। मैं तो मीडिया के लोगों को बधाई दूंगा कि जिस तरीके से मीडिया के लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जितनी उत्सुकता आप लोगों ने दिखाया और जितना उत्साह वर्धन हम सारे लोगों का किया है, माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे विभाग का, कि जिस हौसले के नाते आज इतना जल्दी हम लोग इसको पूरा कर पाने की स्थिति में है और जल्दी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। और आपने देखा होगा कि घूमने के बाद जिस तरीके के बाड़े बने हैं, जिस तरीके के यहाँ पे जानवर हैं, जानवर के एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आदमी के अंदर से जानवर के अंदर भी एक मनोरंजन की इच्छा होती है, उनके भी एक एक्सरसाइज होती है, उसके लिए भी तमाम नए तरीके के इक्विपमेंट है, नए तरीके के यंत्र सारी चीज़ें लगाई गई हैं और लगभग 387 की संख्या में यहाँ जानवर होंगे और लगभग 59 प्रजाति के ये जीव जंतु यहाँ पे रहेंगे। ये संख्या बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी भी, ये CJD से हम फिर बाद में जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो CJD से परमिशन लेकर के, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे इस कैंपस में एक भी ईंट भी अगर रखना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कुछ करना है तो बिना CJD के परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि ये हो जाता, ये हो जाता, और मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ PCCF हाफ भी हैं और मुझे खुशी है कि PCCF वाइल्ड लाइफ का भी चार्ज अभी आपके पास है और शायद यह PCCF हाफ का पहला दौड़ा और PCCF वाइल्ड लाइफ का 22वीं या 21वीं बार का दौड़ा है जिनकी देख रेख में उनकी पूरी टीम ने काम किया। RNN के इनकी देख रेख में राष्ट्रीय निर्माण निगम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जिस तरीके से एक गोरखपुर में
मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनकी सोच है, शायद उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर का सपना जिन्होंने साकार किया इस गोरखपुर में, ये केवल गोरखपुर के लिए नहीं, ये पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण टूरिज्म, इको टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। जिस तरीके से आपने रामगढ़ को देखा, कितनी खूबसूरत गार्ड गिफ्टेड है, जो हमारा लेक है, झील है, शायद प्रदेश में और देश में कुछ जगह इस तरीके की शहर के बीच में, शहर के बाहर तो बहुत सारे लेक आपने देखा होगा, शायद शहर के बीच में पहला लेक है और इतना खूबसूरत, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के मन में सोच इसको और खूबसूरत प्रदान करने का है, वो भी पूरा आपके सामने हो रहा है। और जिस प्रकार के यहाँ पे जानवर आ रहे हैं, शायद उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, देश के और भी चिड़ियाघर में उस तरीके के चिड़ियाघर आपको इस तरीके के बना हुआ खूबसूरत आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से सांपघर है आपको, फिश एक्वेरियम है आपको, तितली पार्क है, तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे लायन, टाइगर, बहुत तरह के जानवर हैं। इस तरीके के आप लोग चूँकि देश दुनिया में आप लोग देखे होंगे, लेकिन इतना खूबसूरत आपको चिड़ियाघर शायद ही कहीं आपको देखने को मिला हो शहर के आसपास में। तो मुझे लगता है कि मैं रास्ते में आ रहा था, जे वही रामगढ़ ताल है जहाँ कोई शायद भूल से कोई जाता रहा होगा, आज मैं देखा हजारों की भीड़ वहाँ पे लगी है बोटिंग के लिए। ये क्या सोच रही हमारे मुख्यमंत्री जी की कि इंजॉय करने के लिए पूर्वांचल के लोग यहाँ पे आएंगे। और मुझे लगता है कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से चल के इस बात को कहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे बोट की संख्या है उसको और बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ पे और भी एडवेंचर के और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की सोच यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की, उसको भी बेहतर तरीके से करने की जरूरत पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, और यहाँ पर इतना ही नहीं, ऐसी चीज़ यहाँ पर होगी जो मुझे लगता है कि सेकंड ऑफ द इंडिया, मतलब कम से कम एक जो, अब नाम अभी मुझे लेना बताना भी मैं उचित नहीं समझा हूँ, अभी पहले माननीय मुख्यमंत्री के सामने अब सीसेफ साहब यहाँ पर बैठे हैं और हम प्रमुख सचिव सब लोग मिल करके एक प्रेजेंटेशन हम लोग चाह रहे माननीय मुख्यमंत्री के साथ दें। माननीय मुख्यमंत्री की भी जिज्ञासा, वो चीज़ भी मैं लाना चाहता हूँ, शायद हिंदुस्तान में शायद कहीं पे होगा, अगर दूसरी जगह होगा तो गोरखपुर में होगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ के लिए होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यही के लाल जिन्होंने कमाल कर दिया, इतनी खूबसूरत चीज़ दे करके रामगढ़ और चिड़ियाघर, और वैसे तो गोरखपुर का चतुर्दिक विकास हो रहा है, और गोरखपुर का चतुर्दिक विकास होने से नॉट केवल आप गोरखपुर के प्रदेश में मत देखिए, ये पूर्वांचल का जिस तरीके से सामरिक दृष्टिकोण से भी गोरखपुर का बड़ा महत्व है, इको टूरिज्म के, जहाँ गार्ड गिफ्ट हमारे पास इतने महत्वपूर्ण फॉरेस्ट हैं, यहाँ विनोद वन, बुढ़िया बाई का स्थान है, चिड़ियाघर रामगढ़, और मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से ये पूर्वांचल नहीं, हम तो पूर्वांचल की बात कहते हैं जो कि गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे हब बनने जा रहा है इको टूरिज्म और टूरिज्म का, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर हैं नेचुरल, मुझे लगता है प्रदेश और देश के लोग यहाँ पर आएंगे इस लेक का, इस झील का आनंद उठाने के लिए, लुप्त उठाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं गोरखपुर के लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री का, पूरी अपनी टीम का, पूरे जो भी कार्यदायी संस्था है, जिस अच्छे कोऑर्डिनेशन के मध्य इन्होंने इतनी टाइम बाउंड कार्यक्रम जो था ये सीमित समय में ये पूरा किया है, ये बधाई के भी पात्र हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने देखा है उसको और क्या खूबसूरती हो सकती है, मैं तो आपसे भी कहूँगा और कोई चीज़ आपके मन में, चूँकि देखिए कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हो सब आपके दिमाग में, आप कहीं महाराष्ट्र गए हों, कहीं कर्नाटक गए हों, अब अगर आपके मन में और कोई चीज़ें आ सकती हैं कि ये भी हो सकता है क्या, तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उसको भी कराने का प्रयास करेंगे।